नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में। और 8th पे कमीशन जो आने वाला है, उसमें ग्रुप डी के पोस्ट के सैलरी पे क्या असर पड़ेगा, अभी हम उसका मेनली बात करेंगे और काफ़ी आसान भाषा में जो होता है वो समझाएंगे, ताकि सबके समझ में आ जाए, क्योंकि जहाँ भी देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लगता है। तो पहले आप ये देखो, ठीक है, जो पुराना सैलरी मैट्रिक्स है वो देखो आप। यहाँ पे 7th CPC पे जो है ना, ये जो आपको अमाउंट दिख रहा है वो आपका बेसिक पे होगा अभी 18,000 रुपया। और ये जो पहला लाइन है, पहला रो, ये आपका लेवल 1 का है, यानी ग्रुप डी का है। फिर उसके बाद यहाँ से लेवल 2, लेवल 3 ऐसा बढ़ता गया है। तो अभी हम इसकी बात करने वाले हैं। और अगर आप इसका देखें, जो 6th पे कमीशन के टाइम में था, कितना था बेसिक पे? 7,000 रुपया। उससे पहले कितना था? 5,115 रुपया। तो अभी कितना बढ़ने वाला है जो 8th पे कमीशन आएगा, उस पर अभी हम बात करेंगे। क्लियर? अब देखिए इस ग्राफ को देखिए, पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, जो 8th पे कमीशन होता है वो कब आएगा ये सब थोड़ा बहुत। तो ये आएगा 1 जनवरी 2026 को, जैसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। और ये 10 साल के बाद आता है, तो इससे पहले ये 2016 में आया था, उससे पहले 2006 में आया था, तो ऐसे ही 10-10 साल पहले आता था। पिछली बार 2016 में आया था, लेकिन जो बना था वो कमीशन, वो 2014 में ही बन गया था, तो थोड़ा पहले बन गया हुआ था। इस बार अभी तक नहीं बना है, हमेशा बात चल रहा है कि बनेगा बनेगा, पर बनेगा जरूरी, ठीक है। तो वो कभी डीपली एक्स्ट्रा कभी बात कर लेंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है, सैलरी बढ़ेगा कैसे। जो 7th पे कमीशन था, ठीक है, उसमें DA हो गया था 125%। ये DA अभी अपने लोगों का कितना है? 53%, ठीक है। और हम डेट कब का बोल रहे हैं? 1 जनवरी 2026 का। यानी तब तक, जैसे एक बार अपने लोगों का जनवरी 25 में बढ़ जाएगा 3%, फिर जुलाई में बढ़ जाएगा 25 में, और फिर 2026 के जनवरी में बढ़ जाएगा, यानी 9 उसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 62% DA हो जाएगा। और जो बेसिक है, बेसिक कितना होता है? 100 होता है। यानी कुल हमारा सैलरी कितना मिलेगा हम लोगों को? 162%। तो जो 162% को अगर आप 100 से डिवाइड कर दोगे ना, तो क्या निकल के आता है? 1.62। यही अपना होता है फैक्टर व्हेन DA मर्ज्ड, इसी को कहा जाता है 1.62, जो आप फैक्टर सुनते होंगे वो। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ बढ़ाती है पैसा। जैसे आप यहाँ पे नीचे देखोगे, 14.3% गवर्नमेंट बढ़ाती हुई थी, ठीक है। इस बार भी हम सोचे हैं कि 14.3% गवर्नमेंट बढ़ा देगी, इससे अधिक ही बढ़ाती है, मिनिमम पिछले साल के तुलना में इतना लिया हो। अब देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले अपना DA कितना हो गया था? 125%, इस बार कितना हुआ है? 62% ही, जबकि महंगाई तो काफ़ी अधिक बढ़ा है। तो इसीलिए सब मांग कर रहा है कि ये 62% जो है काफ़ी स्लो बढ़ा है, इसीलिए यहाँ पे ये 14% को थोड़ा अधिक आप बढ़ा दीजिए। मतलब इसका ये हो जाएगा, जो इंक्रीज पे कमीशन है इसमें अगर आप ये 14% करेंगे 0.32%, तो वैसे ही हम इसमें 14% किए हैं तो 0.23 आया है ये। और फिर इस दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर दिए, इस दोनों को, ठीक है, बस 2.57, और यहाँ पे ऐड करने पे क्या आया? 1.83। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा, कोई लोचा नहीं है, मैं पिछले साल जैसा ही बढ़ाया हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, इसीलिए सब ये कह रहा है कि ये जो फिटमेंट अपना है ना, 1.83 जो आया है, इसको आप कर दीजिए कम से कम 2.58, जो कहा जा रहा है सबके द्वारा कहा जा रहा है, इसको 2.86 कर दीजिए। अब देखिए ये करने के लिए सरकार को 76.54% बढ़ाया जाएगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये तो असंभव टाइप का है, लेकिन ऐसा कुछ असंभव नहीं होता है। पिछली बार ये इतना भी नहीं था, कम करके आया हुआ था, लेकिन सब ने कहा था, थोड़ा बहुत हुआ था, तो वो बढ़ के आ गया था, ठीक है। तो इस बार ही बढ़ के आ जाएगा, क्योंकि अपने लोगों का जो वो DA है ना, काफ़ी कम बढ़ा हुआ है। तो खैर ये तो हम समझ गए कि ऐसा ऐसा है। तो अब देखिए इतना हम फिटमेंट फैक्टर पे डीपली नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ फर्क पड़ता है, या तो अपना फिटमेंट जो है 1.83 आएगा, या नहीं तो 2.86 आएगा। दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो बस हम सैलरी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें आपको हम ले चलते हैं समझने के लिए, जो ये 7,000 था ना पहले 6th वाले में, उसमें कितना बढ़ा हुआ था? 2.57। तो 7,000 को जब आप 2.57 था ना, 57 से मल्टीप्लाई करोगे, करो 7 को करेंगे तो 49 हो जाएगा, बच रहा है 4, 35 और 39, फिर बच रहा है 4, 14 4 18 14 17 ही होना चाहिए, ठीक है। तो 17,990 रुपया के आसपास हो रहा था, तो उसको जो है ना मर्ज करके राउंड फिगर करके 18,000 कर दिया गया था,
तो पिछली बार भी ऐसा ही फिगर बना था, तो सैलरी 7,000 से 18,000 हो गया था। इस बार अगर वो करता है तो हमको क्या करना है, 18,000 को आप 1.83 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर 83 फैक्टर काम करेगा तो, या 2.86 फैक्टर काम करेगा तो 18 को 2.86 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इससे करेंगे तो आप 35 से 36 के आसपास हो जाएगा बेसिक आपका। और अगर 18 से करेंगे तो, ये 2.86 से करेंगे तो 51 के हो जाएगा। अब देखिए सब मांग कर रहा है इसी का, 2.86 हो जाने का, तो अगर ये काम कर गया तो आपका सैलरी हो जाएगा 51,000, आपका बेसिक हो जाएगा, तो काफ़ी सैलरी बढ़ जाता है। हाँ याद रखिएगा फिर DA जीरो हो जाता है, इसी का ध्यान रखिएगा। फिर जो हाउस रेंट होता है इस सब काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, TA आपका बढ़ जाएगा, तो 51,000 बेसिक हो जाएगा, जो कि एक अच्छा हाइक है। ठीक है, तो बस आई थिंक समझ जाएगा। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे ग्रुप डी के सैलरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ भी अगर इसमें कुछ संशय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम थोड़ा और कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से समझाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।